से, मैं तो कहता हूं कि अकेले मत आओ, आर्मी चीफ साहब को भी साथ ले आओ। हमें अपनी पाक फौज से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्द में शरीक हो जाएं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के सिपा सालार आए और देखें इस दर्द को। आपने चंद साल पहले वादा किया था इन्हीं शहदा के जनाजों पे खड़े होकर बाजवा साहब कि आइंदा दहशत गर्दी नहीं होगी, आइंदा हजारा नस्ल कुशी नहीं होगी, आइंदा शिया नस्ल कुशी नहीं होगी। लेकिन आज ये 10 जनाजे बता रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का नेटवर्क मौजूद है। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, इन दहशतगर्दों को खत्म करना होगा। आइए नारा लगाएं दहशतगर्दी के खिलाफ, बंद करो बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, ना मंजूर ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, ना मंजूर ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि 2000 शहदा के वारिसों के पास जब हुक्मरान आ रहे हैं तो कम से कम 200 दहशतगर्दों को तो फिनार करके आते। ये आते हैं कहानियां सुनाने के लिए। हम तो कहते हैं कुरान करीम का फैसला है, अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। ऐ साहिबान अकल, किसास के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। वो मुआशरा कभी जिंदा नहीं हो सकता जहां कातिल को तख्ते दार पे न लटकाया जाए। ये बलोचिस्तान है या जंगल है, मैं सवाल पूछता हूं। मैं जरूर समझता हूं ये दो बातें करना। हमने अपनी आंखों से देखा था कि बलोचिस्तान के क्वेटा के छावनी में एटीएफ जेल का दरवाजा खोलकर बदनाम जमाना दहशतगर्द को भगाया गया। न बुजुर्ग ये बात भूले हैं, न हम भूले हैं। हमें आज भी ये बात हुक्मरानों को बतानी है कि अगर दाऊद बादिनी जैसा दहशतगर्द अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाए तो फिर किससे इंसाफ की उम्मीद रखी जाए। लिहाजा आइए यह मुतालबा दोहराते हैं कि कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। मैं नारा लगाता हूं कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, दहशतगर्दों को फांसी दो, दहशतगर्दों को फांसी दो। यह कुरान का कानून है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने तौरात में भी लिखा कि जो आंख तुम्हारी जाए करे तुम किसास में उसकी आंख निकाल दो, जो तुम्हारा बंदा कत्ल करे उस कातिल को बदले में कत्ल कर दो। ये अल्लाह का कानून है। लेकिन अफसोस अफसोस, इस मुल्क के अंदर 80,000 इंसान कत्ल हो गए लेकिन किसी को फांसी नहीं मिली, किसी मुजरिम को सजा नहीं मिली। 2000 जनाजे क्वेटा के अंदर लेकिन किसी मुजरिम को आज तक फांसी नहीं मिली। और आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो इस धरने से पैगाम है पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन हुसैनियों को जो इन वारिसान शहदा के गम में अपने अपने शहरों में धरना देकर बैठे हैं। अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि जनाब धरना तो खत्म हो गया,
अफसोस इस बात पर है कि बास टीवी चैनल्स खबर चलाते हैं कि धरना खत्म हो गया। आइए नारा लगाकर पूरे मुल्क को पैगाम दें कि धरना खत्म नहीं हुआ और उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक वजीर आजम इमरान खान यहां नहीं आते। नारा लगाएंगे मेरे साथ, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं वारसान शुहदा की तरफ से, पूरी दुनिया के अंदर उन तमाम इंसानों का, हुसैनियों का, मुसलमानों का, आशिकाने अहले बैत का, जो जो आपके गम में शरीक हैं और अपनी अपनी जगह पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका अजर अल्लाह की बारगाह में है, उनका अजर हजरत इमाम जमाना की बारगाह में है, वही उसका अजर दे सकते हैं। मैं आखिर में एक दफा फिर आप सबके साथ नारा लगाऊंगा और ये नारा दर हकीकत तवस्सुल होगा जमाने के इमाम के साथ। आप और हम जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम किसी और के दरबार में नहीं जाते, हम इमाम जमाना की बारगाह में जाते हैं, अपने दर्द की दास्तान हुज्जत खुदा को सुनाने के लिए, अपने गम की दास्तान वारिस पैगंबर को सुनाने के लिए। आइए मेरे साथ नारा लगाएं और पांच मर्तबा लब्बैक या महदी का नारा लगाते हुए जमाने के इमाम को पुकारें और अर्ज करें, मौला हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस जिंदा है। लावारिस उसे कहते हैं जिसका कोई वारिस नहीं है, हमारा वारिस वो है जो आदम से लेकर खातम तक सालाक अंबिया का जानशीन है। आइए बुलंद आवाज से नारा लगाएं, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अपील करता हूं एक दफा सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात शुहदाए इस्लाम क्वेटा के शुहदा और खुसूसन इन मजलूम शुहदा के लिए जिनकी याद में आज हम यहां बैठे हैं, एक दफा सूरह फातिहा की तिलावत कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा बियामुर्ज़ तमाम अमवात मोमिनीन मोमिनात तमाम शहदार, खुदा बियामुर्ज़ दर्जात ची बुलंद कर। दोस्ता पेश अजी की पाक सरजमीन पार्टी का आदम शिर कुई कनू यक नुक्ता रख ऐसा कि आली बले टीवी चैनल आमी चला बराइशुम बुगुम द टीवी चैनल अजागरिजा सवाल कर देने ना कि इना शहदा कैसा आफ नफर्श कैसा महाजीर है व उ इ गब्र की बाल कर दे मने मीडिया मने टेलीविजन चैनल आई गब्र की ज़दा अमु फाशिस तंजीम अमु फाशिस पार्टी कमियाल बले सारी इतदार शिष्टा از خاطر کرسی خو هر کار هر خیانت را دم سد کوشش مونه که کنه علی مو که منجی در نداده آواز بال مونی شور مونی نهرمیز نی یخی را برداشت نی سختی را برداشت نی برای ازی مونی که کد قوم چرا ظلم موشه کد ازی مومنین چرا ظلم موشه
इनाचे से चिकार मुना इनाचे से मुगैना महाजीरा अगर उधर बाशा बस तमाम कोप्श महाजीर जोर मुशी बस सुबह तुर्की वोट मिला इना तोर्किन ताची हद्र मोरा वकिन जाई अफसोस अस्ता ये फाशिस्ट पार्टी इकेस्ता दमसत मुगा की इना महाजीर अस्ता इना यक्षम महाजीर निया इना तमाम पाकिस्तानिया तमाम इकेस्ता तमाम पाकिस्तानिया एरी तब तबली काम होना ही ना एरी तब का पाम इस ना खातिर ऐसी कि कुर्सी खुर रहा वजारत खुर हिप्स करना दस मने दुनियादारी बस चिजार आदम कैसा देख पैमाना है इसका गप मुगा इना यकीन करें ये कदर कैसा यानी अस खातिरी इख्तिदार इस हर खार इना शायद करें मा सख्त मुजम्मत मनु शुमा ची तमाम शुम जिसका इकबाल कर रहा आफरीन चरा ये खियानत मुशन दम सर इधर तारीख लिखा मुशन कि भाई तुझ दौर अमित गपा मिजनी तुझ दौर मोरे अमित अमित खारा मुनी इना तमाम पाकिस्तानिया तमाम पाकिस्तानिया तू की अस्ते की मुगी अस खातिर अजी की कुर्सी तो दखा दरा उसने दे अस खातिर अस उसी नख कार अस यार तरफ दे मौत हमारे पर ऐसे कब नजर दे दी कोजात कैसा दे चीज कैसा ना अहल शुद इना वो तू तू खुद तू माची रस्ते इना तम्मा पाकिस्तानिया हर आज़रा पाकिस्तानिया सिवाय एमसी फॉशिस्ट ग्रुप इना बे तुर्किया मोरा बिरादर दाऊजी नुमाइंदगी अफगानिस्तान रमना झंडे अफगानिस्तान रुई बुरी शेंट बले टेबल इस्ते तू अफगा तू अफगानिस्तानी इना इना पाकिस्तानिया इना सब दर्शक पाकिस्तानिया यानी हर चीज अस खोट के घर दरा ताई हदरा अस खातिर मफादाद शख्सी खु मफादाद कौम रखा तू दम सद खतरा में दसनी मामजिन जी ऐलान मनु इना पाकिस्तानिया इना पाकिस्तानिया इना पाकिस्तानिया तू तू की द इलेक्शन कोजाद सच न बुद कोजाद के सब ब्रदर शिनाख्त कार्ड न दश गुफ खोच गुफ द शिनाख्त कार्ड कैंसल खुमा इलेक्शन रपुर दो तू आज हद तेर मुनी मन बस तेर माई अगर तू जो इधर ख्यालत कदर और जुरत चिदर है मोस खम दिफा कदर और जुरत चिदर है खुदा जुरत दादा खून शुहदा जुरत दादा मोरा आलिमा आलिमा पाक सरजमीन पार्टी रह पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी वाइस चेयरमैन अताउल्ला कुर्द साहब को मैं दावत खिताब देता हूं कि वो आए हमारे शोदा के लवाही टीम के साथ इजहार हमदर्दी व इजहार यकजहती करें पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी वाइस चेयरमैन अताउल्ला खुर्द साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आके खिताब करें बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औजु बिललाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शोदा है
मच के तमाम लवाइकीन हजारा बिरादरी के तमाम मोजज़ीन और यहाँ पर इस धरने में मौजूद तमाम मेरे इतने सख्त सर्दी में पिछले चार दिनों से मौजूद मेरे बुजुर्गों भाइयों तमाम भाइयों से मैं पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से और पाक सरजमीन पार्टी के एक एक कारकुन की तरफ से इस गम में शरीक होने के लिए आया हूं। मैं पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से और पाक सरजमीन पार्टी के एक एक कारकुन की तरफ से इस जुल्म इस बर्बरियत और इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूं कि इस धरने के और शोदा के लवाइकीन के जितने भी मुतालबात है वो फिलफौर तस्लीम किया जाए और वजीर आजम पाकिस्तान को जल्द से जल्द क्वेटा आना चाहिए शोदा के दादरसी के लिए। जब इनका मुतालबा है इतने दिनों से तो वजीर आजम साहब को इतना कौन सा जरूरी काम पड़ गया है तो यहां पर आ नहीं रहे। हम मुतालबा करते हैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से कि उनको फिलफौर क्वेटा आना चाहिए। आपका गम बहुत बड़ा है, हमारे ये अल्फाज बड़े छोटे हैं, हमें इस चीज का एहसास है कि यहां पर आप एक कयामत से गुजर रहे हैं और हम यहां पर इस गम में शरीक होने के लिए आपके पास पहुंचे हैं और आपको ये यकीन दिलाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी का के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब समेत पाक सरजमीन पार्टी का एक एक कारकुन आपके इस गम में शरीक है और हम आपके साथ है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और मैं ये दुआ करता हूं शोदा के कि अल्लाह पाक आपके शोदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और जो लोग इस वाकये में मुलविस है अल्लाह पाक उन पे अपना कहर नाजिल करे। और मैं आपके उस मुतालबे को उस नारे को एक दफा और दोहराता हूं फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान क्वेटा हो तो मैं भी वही अपना नारा दोहराता हूं इमरान खान क्वेटा इमरान खान क्वेटा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं